नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेल से संबंधित अध्ययन कर रहे के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमने कोशिका की खोज, सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका है, इसके अलावा पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और इसके अलावा कोशिकांगों को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एकल कलाबद्ध कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और कला विहीन कोशिकांग, इन सभी के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो सेल ऑर्गनल्स हैं यानी कोशिकांग हैं उनको शुरू कर रहे हैं, और जिसमें पहला जो कोशिकांग है वो हमारा आता है सेल वॉल, यानी कि आज इस वीडियो में हम कोशिका भित्ति के विषय में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कौन कौन से घटक इसमें पाए जाते हैं, इन सभी को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। और ये जो लेक्चर है आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एवं अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और विशेषकर ध्यान रखिए कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरे टॉपिक तैयार किए हुए हैं। पूरा मैटर है वो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, और ये जो पूरा मैटर है ये आपके एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है, और ये आपके एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, और वही नोट्स और इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी वो भी हमने इसमें शामिल किया है। तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उससे ये पूरा मैटर तैयार किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट जीव विज्ञान को हम देखने वाले हैं, एकदम आसान और एकदम से सरल चित्रों की सहायता से हम समझने वाले हैं। तो लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए और आप जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं इनका लाभ उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो सबसे पहले हम बात करें तो सेल वॉल की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये हमने जब कोशिका की खोज की गई थी उस समय मैंने आपको बताया था, उस समय बताया था कि जब रॉबर्ट हुक ने कोरक कोशिका को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, तो उस समय वास्तव में इन्होंने कोशिका को न देख करके कोशिका भित्ति को देखा था। इसलिए खोजकर्ता के रूप में हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था, 1665 ईस्वी में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की खोज की थी। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है पादप कोशिका, सेकंड है कवक, थर्ड है जीवाणु और फोर्थ है सभी। अब देखो ये क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से नहीं पाई जाती, इनमें से पाई जाती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस में नहीं पाई जाती है। अब देखो पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, कवक कोशिका में भी पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में भी पाई जाती है, यानी कि ये सभी ऑप्शंस आपके राइट होंगे, क्योंकि सभी में ही जो कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस कारण जीवाणु कोशिका को पादप कोशिका की संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः हम बैक्टीरिया को अलग मोनेरा जगत के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होती है, इस कारण इसे पादप कोशिका की संज्ञा भी दी जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका का बाह्यतम दृढ़ आवरण होता है, यानी कि जो कोशिका होती है पादप कोशिका की हम सामान्यतः बात करें तो उसके बाहर की ओर सबसे दृढ़ आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है, और इसका श्रावण जो होती है यानी कि जो इसके घटक होते हैं कोशिका भित्ति के, उन सभी घटकों का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका खुद करती है, कोशिका के संवहन के द्वारा किया जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, तो इसके कार्य में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है कि कोशिका भित्ति जो होती है इसको एक निश्चित आकार प्रदान करती है, तभी आप देखते हैं कि प्लांट सेल्स होती है वो इस प्रकार के एक निश्चित आकार की हमें दिखाई देती है। कोशिका भित्ति मर्त होती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंतर्गत कि कोशिका झिल्ली तो जीवित होती है लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है ये मर्त होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये कोशिका भित्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं कि हमने बात की पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कवक कोशिका में होती है, जीवाणु कोशिका में होती है, तो इनमें कौन कौन सा डिफरेंस क्या होता है, किसकी बनी हुई इनमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जीवाणु कोशिका जो होती है इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन, एक ही कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन नामक एक पदार्थ होता है उसके द्वारा निर्मित होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। कवक की बात करें, जो फंजाई होती हैं
तो कवक में जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और इस काइटिन को ही हम क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज कहते हैं, फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि कवक जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति है तो ये हम सभी जानते हैं कि पादप की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज है वो लगभग 3000 के समथिंग जब ग्लूकोज की इकाइयां मिलती है तब इसका बहुलक बनता है सेलुलोज। तो ये ध्यान में रखना, पादप कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, इस कारण थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के प्रकार। कोशिका भित्ति है वो कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः हम बात करें तो कोशिका भित्ति के तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन ये चौथा प्रकार भी है वो कुछ सभी में नहीं पाया जाता चौथा प्रकार, लेकिन कुछ में मिलता है। इस कारण टोटल जो प्रकार होते हैं कोशिका भित्ति को वो 4 ही होते हैं। पहला है मध्य पटलिका यानी कि मिडल लेमिला, दूसरा प्राथमिक कोशिका भित्ति जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल भी कहते हैं, तीसरा आता है द्वितीय कोशिका भित्ति यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल, और चौथा होता है तृतीयक कोशिका भित्ति यानी कि टर्शरी सेल वॉल। तो ये 4 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान में रखने। एक बार इस स्ट्रक्चर में हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर जो ब्लू कलर में दिखाया गया ये क्या है, मिडल लेमिला है, मध्य पटलिका। इस मध्य पटलिका के अंदर की ओर जो रेड कलर में आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये है प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये कई लेयरों में होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और कुछ ऐसे जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उनमें ये तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यहाँ पे मैंने इसको नहीं दिखाया है। तो देखो अंदर की ओर तो ये ल्यूमेन होगी, और सबसे बाहर की ओर हम बात करें तो इसमें मिडल लेमिला होगी। मिडल लेमिला के अंदर की ओर प्राइमरी सेल वॉल और फिर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। तो ये 4 प्रकार की कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में देखने को मिलती है। तो एक बार यहाँ पर ये मैंने जो मेरे नोट्स थे उसी से एक चित्र बनाया था, मैंने वो यहाँ पर समझा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट कोशिका है, ये सेकेंड कोशिका है और ये थर्ड कोशिका है। इन कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला जो पदार्थ है, ये आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, इस पदार्थ को हम कहते हैं मध्य पटलिका या मिडल लेमिला। और ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है मध्य पटलिका। और इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय सीमेंट या पादप सीमेंट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि तीनों कोशिका की हमने बात की, इनके मध्य में जो कोशिकाओं को जोड़ने का जो कार्य करता है वो है मध्य पटलिका यानी कि मिडल लेमिला। और ये मिडल लेमिला किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, और इसे हम कोशिका सीमेंट या पादप सीमेंट भी कहा जाता है। अब देखो हम बात करते हैं इस जो मध्य पटलिका, इसके अंदर की ओर ये जो आपको नजर आ रही है ये कौन सी लेयर होती है, तो ये होती है यहाँ पर हम बात करें ये अंदर की ओर ये बाहर की ओर ये हो जाएगी। पहले अंदर की ओर हम बात कर लेते हैं ये वाली, तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। इसको जब हम बाहर देखते हैं तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हो जाएगी, और जो मुख्य से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है सामान्यतः हम बात करें तो। और इसकी जो ये वाली बात है अंदर की ओर हम बात करें तो ये हो जाएगी द्वितीय कोशिका भित्ति, और इस पे लिग्निन का मोटा आवरण पाया जाता है। सामान्यतः यही घटक होते हैं इसके, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लेकिन द्वितीय कोशिका भित्ति पर लिग्निन का आवरण पाया जाता है। इस कारण ये सामान्यतः हम बात करें तो मर्ज हो जाती है, इसमें जीवद्रव बहुत ही कम पाया जाता है। और यहाँ पर देखो कुछ चैनल नुमा ऐसे मैंने संरचनाएं दिखा दे रही कि जिससे इसका कोशिका का जीवद्रव है साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म, ये आपस में पदार्थों का आदान प्रदान करते रहते हैं, और ये जो संरचना ये कहलाती है प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रवी तंतु, और इनसे पदार्थों का आवागमन होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मध्य पटलिका के अंदर की ओर किसका निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति पर लिग्निन का मोटा आवरण पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ जीवद्रव्य तंतु पाए जाते हैं जिनसे कोशिकाओं का आदान प्रदान होता है, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी आती है मध्य पटलिका यानी कि मिडल लेमिला। अब देखो यहाँ पर जो कोशिकाओं की संरचनाएं दिखा दे रही है, फर्स्ट कोशिका हो गई, ये सेकंड कोशिका, ये थर्ड कोशिका, ये मैंने पहले आपको समझा दिया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो बीच बीच में आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, मैं जो रेड कलर से आपको बना रहा हूँ, ये क्या होता है, ये होता है आपका मिडल लेमिला। यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा आपको थोड़ा सा येलो कलर में, ये मिडल लेमिला होता है जो क्या करता है, इन कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। इस कारण इसे पादप सीमेंट भी कहा जाता है।
अब इसके अंदर की ओर जो आपको ये नजर आ रही है ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की हो जाएगी प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल। फिर ये ब्राउन ब्राउन कलर में ये सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगी। और फिर अंदर की ओर आपको जो इस प्रकार की कलर में आपको नजर आ रही है येलोस कलर में नजर आ रही है, ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होती है। तो मध्य पटलिका की हम बात करें, मध्य लेमिला की हम बात करें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मिडल लेमिला हो गई, फिर इसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल और ये बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसमें सेकेंडरी नहीं दिखा रखी है। तो प्राइमरी सेल वॉल है, इसके घटक होते हैं हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और सॉल्यूशन प्रोटीन, ये इसमें पाए जाते हैं। आगे हम जब बात करेंगे, जब प्राइमरी सेल वॉल की बात करेंगे, तो अभी हम मध्य पटलिका की बात कर रहे हैं। तो दो संतति कोशिकाओं के बीच में बनने वाली प्रथम भित्ति होती है ये, दो आसन कोशिकाओं को जोड़े रखती है, इसी कारण तो इसे प्लांट सीमेंट या पादप सीमेंट भी कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी बनी होती है मध्य पटलिका, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट की। फलों के समय यह भित्ति घुल जाती है, जब फल होते हैं उस समय क्या हो जाती है, इसकी भित्ति घुल जाती है और ये पके हुए जो फल होते हैं वो कोमल हो जाते हैं। पके हुए फल जो होते हैं उस समय ये मध्य पटलिका घुल जाती है और फल कैसे हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। तो ये होती है मध्य पटलिका यानी कि मिडल लेमिला, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर सेकेंड जो कोशिका भित्ति आती है वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल। ये पतली होती है, लचीली होती है, कोमल व प्रत्यास्थ होती है। पतली, लचीली, कोमल व प्रत्यास्थ होती है, किसकी बनी होती है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना। एक बार देखो, ये मिडल लेमिला और ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। इसमें देखो हेमिसेलुलोज की हो सकती है, पेक्टिन इसमें पाया जाता है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें और सॉल्यूशन प्रोटीन भी इसमें पाया जाती है, इसके घटक होते हैं। यानी कि प्राथमिक जो कोशिका भित्ति ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन आदि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनसे बनी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसमें वृद्धि और विस्तारण की क्षमता पाई जाती है और सभी पादपों में पाई जाती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये लगभग अधिकांशतया सभी पादपों में उपस्थित होती है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये किसकी है, ये जो हमारा जीवाणु होता है, जीवाणु में कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है उसकी दिखा रखी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति में घटक कौन से होते हैं, एक तो पेप्टिडोग्लाइकोन होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। एक होता है टिकोइक अम्ल, टिकोइक अम्ल होता है, और ये एक होता है लिपोटिकोइक अम्ल। आप टिकोइक अम्ल और पेप्टिडोग्लाइकोन ये दोनों ध्यान में रखने हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से जीवाणु कोशिका से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, इसमें आप दो तीन ऑप्शन आपके प्लांट कोशिका से दे देगा, एक में आपका टिकोइक अम्ल और पेप्टिडोग्लाइकोन दे देगा। तो अच्छे से आपको अगर ध्यान में हो तो ये आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। ये हो गई आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल की। मोटी, मजबूत व दृढ़ होती है, मोटी, मजबूत व दृढ़ होती है, और ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन की मात्रा इनमें अधिक पाई जाती है। हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इसमें सेलुलोज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण क्या होती है, दृढ़ होती है। इसमें अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं, टेनिन, गोंद, मोम, कैल्शियम लवण, सिलिका, क्यूटिन, ये सभी पदार्थ भी इसमें उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक लवण, टेनिन, गोंद, मोम, कैल्शियम लवण, सिलिका, क्यूटिन, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, मुख्य रूप से जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, ये देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, मैंने पहले ही बताया था, इसके ऊपर लिग्निन का आवरण पाया जाता, जमाव होता है। अब देखो वाहिका, वाहिनिका और दृढ़ोतक जो उत्तक होते हैं, प्लांट सेल्स की हम बात करें, प्लांट उत्तकों की हम बात करें, तो उसमें वाहिका, वाहिनिका ये दोनों ही जाइलम के प्रकार हैं। एक दृढ़ोतक उत्तक जो होता है, इनकी जो भित्ति होती है द्वितीय कोशिका भित्ति, इसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। इसी कारण लिग्निन के कारण क्या होती है, ये मर्द होती है, तीनों ही घटक मर्द होते हैं, जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं, बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं। विभजोतक कोशिकाओं को छोड़कर से सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाती है, यानी कि केवल जो डिवाइजेबल कोशिकाएं होती हैं, विभजोतक कोशिका होती है, मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें द्वितीय कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, और पादपों की जो सभी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्शरी सेल वॉल। तो टर्शरी सेल वॉल ये कुछ में मिलती है, सभी में नहीं पाई जाती, वो कुछ में कौन कौन सी है, इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उदाहरण कई बार पूछ लिए जाते हैं।
जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में जाइलम से बनी होती है। जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाएं जो होती हैं उसमें जाइलम से बनी होती है सामान्यतः हम बात करें, और ये द्वितीयक जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर की होती है। इसका निर्माण किससे होता है, देखो हेमिसेलुलोज, जाइलोन व सुबेरिन की बनी हो सकती है। ये जाइलम जगह आप जाइलोन कर लो, जो जिम्नोस्पर्म है उसकी जो वाहिनिका है वो जाइलम की जाइलोन से बनी होती है। तो इसके जो घटक होते हैं तृतीय कोशिका भित्ति के, उसमें हेमिसेलुलोज, जाइलोन, सुबेरिन ये पदार्थ होते हैं जिनसे तृतीय कोशिका भित्ति बनी हो सकती है। दृढ़ होती है, इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता, यानी कि जीवद्रव्य सूख जाता है इसमें। तो ये होती है तृतीय कोशिका भित्ति। तो हमने बात कर ली प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और मिडल लेमिला की हमने अच्छे से बात कर ली। एक या दो बार आपको इनको अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की परासंरचना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कोशिका भित्ति की परासंरचना, संरचना किस प्रकार की होती है। तो कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से दो भाग दिखाई देते हैं, और ये दो भाग कौन से होते हैं, पहला है रेशक यानी कि फाइब्रिल्स, दूसरा आधारी पदार्थ यानी कि मैट्रिक्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेशक यानी कि फाइब्रिल्स की बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से ये किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। एक सेलुलोज के अणु का निर्माण है वो 3000 ग्लूकोज के अणुओं से होता है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक सेलुलोज जब बनता तो ये 3000 ग्लूकोज के अणुओं के मिलने से बनता है। जब 100 सेलुलोज के अणु मिलकर क्या करते हैं, एक मिसेल या मिसेल्स का निर्माण करते हैं, जब 100 सेलुलोज के अणु मिलते हैं तब क्या निर्माण होता है, तब एक मिसेल का निर्माण होता है या मिसेली का निर्माण। 20 मिसेली मिलकर के एक सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। जब 20 मिसेली मिलते हैं तब एक सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है। जब 250 माइक्रोफाइब्रिल्स से एक गुरु तंतु माइक्रोफाइब्रिल बना होता है, यानी कि जब 250 माइक्रोफाइब्रिल्स बनते हैं उससे एक गुरु तंतु बनता है। एक माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, माइक्रो कर दिया मैंने यहाँ पर, ये मैक्रो आ जाएगा। मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है जिसका व्यास होता है 250 अनुष्कों। तो एक बार यहाँ पर मैं फिर से आपको इसको समझा देता हूँ, आगे चित्र के द्वारा भी इसको हम समझ लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार में ये पूरा टॉपिक है वो समझ में आ जाए। देखो जब 3000 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तब एक सेलुलोज का अणु बनता है। अब सेलुलोज की 100 अणु मिलेंगी तब एक मिसेली का निर्माण होगा, मिसेली। जब 20 मिसेली बनेंगी तो 20 मिसेली मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एक सूक्ष्म तंतु का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म तंतु। जब 250 माइक्रोफाइब्रिल्स या सूक्ष्म तंतु मिलते हैं तब एक मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है, मैक्रोफाइब्रिल्स या गुरु तंतु का निर्माण होता है जिसका व्यास 250 अंगस्ट्रोम होता है। तो ये रेशक होते हैं। एक बार इसको आगे इन चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो 3000 ग्लूकोज के अणु जब मिलते हैं तो एक सेलुलोज का अणु मिलता है। ये देखो ये सेलुलोज का अणु हो गया। अब 100 सेलुलोज के अणु, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें देखो सेलुलोज के अणु दिखाए रखे हैं मैंने। तो 100 सेलुलोज के अणु जब मिलते हैं तो एक मिसेली का निर्माण करते हैं। अब जब 20 मिसेली मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म तंतु का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म तंतु। जब 250 सूक्ष्म तंतु मिलते हैं, 250 सूक्ष्म तंतु मिलते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं, तब मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है, गुरु सूक्ष्म तंतु, गुरु तंतु का निर्माण होता है, मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है। ये मैक्रोफाइब्रिल्स के रूप में ये हमारी जो कोशिका भित्ति है उसमें पाए जाते हैं। तो रेशक की हम बात कर रहे हैं, फाइब्रिल्स की। इन रेशों के मध्य मैट्रिक्स बना रहता है। प्राथमिक भित्ति में ये अनुप्रस्थ रूप में पाए जाते हैं। जब प्राइमरी सेल वॉल देखें तो उसमें अनुप्रस्थ रूप में मिलते हैं, और द्वितीयक जो भित्ति होती है उसमें प्रत्यास्थ पाए जाते हैं, लचकदार होते हैं। तो ये आपकी संरचना होती है रेशक की, जो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। मैंने 2-3 बार आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है। इस चित्र को हम आगे एक बार थोड़ी के बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो आधारित पदार्थ यानी कि मैट्रिक्स, दूसरा जो भाग आता है हमारी कोशिका भित्ति की संरचना में वो होता है मैट्रिक्स। प्राथमिक व द्वितीय कोशिका भित्ति के मध्य अक्रिस्टलीय व जेली समान पदार्थ उपस्थित होता है।
प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति है, उसमें एक्रिस्टलीय जेल के समान पदार्थ उपस्थित होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, जल होता है, ग्लाइकोजन होता है, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, गोंद, मोम, रेजिन, टेनिन और सिलिका है वो इसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति पर कहीं कहीं सेलुलोज परत का अभाव होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है, सेलुलोज परत का अभाव होता है। ये भित्ति में सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं जिन्हें प्राथमिक गर्त कहते हैं। ये देखो जहाँ पर कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज का अभाव होता है, वहाँ पर ये गर्त बन जाते हैं, इन्हें हम प्राथमिक गर्त कहते हैं। दो आसन कोशिका भित्ति के आमने सामने होती हैं, जो गर्त जो होते हैं ये दो कोशिका आपस में जुड़ी रहती है उसके आमने सामने उपस्थित होती हैं और इनमें से होकर के जीवित जीवद्रव्य तंतु आर पार जा सकते हैं और इसकी सहायता से आसन कोशिकाएं जो होती हैं आपस में जीवद्रव्य का स्थानांतरण करती रहती है और इसे ही हम जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेसमेटा कहते हैं। एक बार इस चित्र में देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं ये जो संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं इसे ही हम कहते हैं प्लाज्मोडेसमेटा, यानी कि जो ग्रत बन जाती है उस ग्रत में इस प्रकार से ये जीवद्रव्य तंतु उपस्थित होते हैं जो इस कोशिका का आपस में क्या करते हैं, जीवद्रव्य का आदान प्रदान करते रहते हैं और इसे हम प्लाज्मोडेसमेटा या जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। प्लाज्मोडेसमेटा के द्वारा आसन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है, यानी कोशिका द्रव्य आदान प्रदान होता रहता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इसकी सहायता से प्लाज्मोडेसमेटा की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म निकल करके आती है जो दोनों टर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऐसी स्थिति में कोशिका द्रव्य को सहद्रव्य कहते हैं। जब प्लाज्मोडेसमेटा के द्वारा कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है तो उसे हम सिम्प्लाज्म कहते हैं, सहद्रव्य कहते हैं। जब अंतराकोशिक स्थल में अजैव पदार्थ विद्यमान रहते हैं तब इसे अपद्रव्य या एपोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो पीछे मैंने आपको ये चित्र बताया था कि बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर प्लाज्मोडेसमेटा, ये जो आपको नजर आ रही है प्लाज्मोडेसमेटा हो गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर जब कोशिका द्रव्य जो होता है यहाँ से ये येलो वाला जो पार्ट है यहाँ से निकल करके इस प्लाज्मोडेसमेटा के माध्यम से जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे या इसे हम सिम्प्लाज्म भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, जब भी कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान जीवित पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मोडेसमेटा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है तब इसे हम सिम्प्लास्टिक पाथवे या इसे सिम्प्लाज्म भी कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के माध्यम से जब कोशिका पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दूसरा देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये जो रेड कलर में यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जो कोशिका भित्ति के माध्यम से होता है ये वाला, जब कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान क्या होता है, सेल वॉल के माध्यम से होता है तब इसे एपोप्लास्टिक या एपोप्लाज्म कहते हैं, एपोप्लाज्म इसे हम कहते हैं और ये निर्जीव होता है सामान्यतः हम बात करें और ये सहद्रव्य कहते हैं या सजीव पदार्थों के माध्यम से होता है। तो दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान में रखनी, दोनों टर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक तो एपोप्लाज्म और एक होता है सिम्प्लाज्म। एपोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका द्रव्य के माध्यम से कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है, सिम्प्लाज्म कोशिकीय जो प्लाज्मोडेसमेटा है उसके माध्यम से कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। ये दोनों ही क्रम आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति स्थूलन। तो ये आपकी जो अल्ट्रा संरचना की हमने बात की थी उसमें पहला हमने रेसिक फाइब्रिल्स देखे और दूसरा आधारित पदार्थ होगा, ये आपकी संरचना कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति पर स्थूलन। तो ये हम पहले ही जानते हैं कि कोशिका भित्ति पर अलग अलग पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है, स्थूलन पाया जाता है, डिपोजिशन पाया जाता है। किस प्रकार से होता है वो इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। स्थूलन है ये लिग्निन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सुबेरिन आदि पदार्थों के जमाव के कारण होता है। तो ये कुछ पदार्थ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, सुबेरिन, इन पदार्थों के जमाव के कारण स्थूलन होता है। पादपों की मर्दोतक, दरड़ोतक, वाहिका, वाहिनिका, चालिनलिका, सहकोशिका आदि में स्थूलन है वो सभी स्थानों पर समान मोटाई का होता है। ये कुछ मैंने घटक बताए हैं पादप कोशिका के, पादप के अंतर्गत मर्दोतक है, दरड़ोतक, वाहिका, वाहिनिका, चालिनलिका, सहकोशिका, इसमें स्थूलन है समान स्थानों पर समान मोटाई के पाए जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन दे रखी है कि कोशिका भित्ति के निर्माण में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं हो पाता है, सभी स्थानों पर समान मोटाई के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी मिलते हैं जहाँ पर
क्या होता है कि लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता, उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, पिट्स कहते हैं, गर्त या पिट्स कहते हैं। गर्त एक विशेष प्रकार की झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं जिसे पिट मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि सामान्यतः हम बात करें तो ये मान लीजिए कोशिका भित्ति हो गई और ये अगली कोशिका भित्ति, इसके मध्य ये जो संरचना है यहाँ पर इन पदार्थों का निक्षेपण नहीं होता है, इसे हम गर्त कहते हैं। और गर्त के जो चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसे हम पिट मेम्ब्रेन कहते हैं, गर्त झिल्ली कहा जाता है। इस पिट मेम्ब्रेन पर सुबेरिन का निक्षेपण पाया जाता है, जो पिट मेम्ब्रेन होती है इस पर सुबेरिन का निक्षेपण मिलता है। तो इस सुबेरिनी कर्त जो पिट मेम्ब्रेन होती है उसे टोरस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस टोरस को कई बार पूछ लिया गया है कि पिट मेम्ब्रेन पर सुबेरिन का निक्षेपण पाया जाता है और सुबेरिनी कर्त ये जो पिट मेम्ब्रेन होती है इसे हम टोरस कहते हैं। और टोरस क्या करता है, ये द्रवों के वितरण का नियंत्रण करता है। अब देखो इस चित्र के द्वारा एक बार समझ लीजिए, ये कोशिका भित्ति होगी, ये कोशिका भित्ति, इसके बीच में ये जो पाया जाता है ये क्या है, गर्त है, ये गर्त बना हुआ है। इस गर्त में बीच में जो आपको ये जो संरचना नजर आ रही है इसे हम टोरस कहते हैं। ये कोशिका पिट मेम्ब्रेन होगी, ये पिट मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, सुबेरिनी कर्त पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं। अब देखो जब जल का अधिक मात्रा में कोशिका सेल में जल हो जाता है तब ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से ये जो गर्त होते हैं ये बंद हो जाते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं गर्त यानी कि पिट्स। गर्त जो बनते हैं यहाँ पर ये कितने प्रकार के होते हैं, गर्त सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल गर्त हो गया सिंपल पिट्स और एक प्रवेशित गर्त हो गया बॉर्डर्ड पिट हो गया। सरल गर्त जिसे हम सिंपल पिट कहते हैं और प्रवेशित गर्त जिसे हम बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। ये जो आपको संरचना नजर आ रही है ये बॉर्डर्ड पिट की है। आगे एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सरल गर्त यानी कि सिंपल पिट्स की। मर्दूतक, चालनी नली का, सह कोशिका में दो आसन कोशिकाओं के बीच की भित्ति में आमने सामने पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी उदाहरण आपको ध्यान में रखनी है कि मर्दूतक कोशिका, चालनी नली का, सह कोशिका, इनमें जो आमने सामने की कोशिका होती है उनकी कोशिका भित्ति में आमने सामने उपस्थित होते हैं सरल गर्त। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति, ये कोशिका एक कोशिका ये होगी एक ये होगी, इसमें आमने सामने देखो ये हो गया गर्त, यहाँ पे गर्त हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये आमने सामने की जो कोशिका भित्ति उसके अंदर पाए जाते हैं गर्त। और ये जो मेम्ब्रेन बनती है उसे पिट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मैंने बॉर्डर्ड पिट भी दिखा रखा है, यहाँ पर सिंपल पिट भी दिखा रखा है। ये देखो ये जो आपको संरचना नजर आ रही है जो मैंने रेड में बनाई है ये सिंपल पिट हो गया, और बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है इस प्रकार की संरचना बन जाती है इस प्रकार से, और बीच में क्या हो जाता है ये मेम्ब्रेन पाई जाती है और बीच में स्थूलन पाया जाता है जिसे हम टोरस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जो संरचना होती है ये आपकी बॉर्डर्ड पिट की होती है, प्रवेशित गर्त की होती है। तो सरल गर्त जो होते हैं ये मर्दूतक कोशिका, चालनी नली का, सह कोशिका में पाए जाते हैं। गर्त के माध्यम से गुलित पदार्थों का आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है। लंबाई में ये क्या होते हैं, बेलनाकार या गोल होते हैं और सभी कोशिका भित्ति में ये उपस्थित होते हैं। ये हो गया आपकी सरल गर्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवेशित गर्त या बॉर्डर्ड पिट। दोनों आसन कोशिकाओं की द्वितीयक जो भित्ति होती है ये फूल करके गर्त के चारों ओर गोल मेहराब के समान उठी हुई पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना बना लेती है। ये इस प्रकार की संरचना बना लेती है कोशिका भित्ति है। बॉर्डर के बीच लेंस के आकार का छिद्र पाया जाता है। यहाँ पर देखो मैंने पहले बनाया था, इस प्रकार से एक छिद्र उपस्थित होता है, लेंस के आकार का छिद्र पाया जाता है जिसे गर्त या छिद्र कहते हैं। केंद्रीय भाग स्थूलित होता है जिसे टोरस कहते हैं। तो ये देखो इस संरचना के द्वारा समझ सकते हैं ये बीच में लेंस के आकार का क्या हो गया, छिद्र हो गया ये, और बीच का केंद्रीय भाग होता है ये क्या हो जाता है, निक्षेपित होता है, स्थूलित होता है, इसे हम टोरस कहते हैं। ये देखो इसे टोरस कहा जाता है। प्रवेशित गर्त जाइलम की वाहिकाओं व वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी उदाहरण ध्यान में रखनी है। सरल गर्त लगभग सभी पादप कोशिकाओं को भित्तियों में उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रवेशित गर्त जो होते हैं ये जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखने हैं। ये हो गया आपका प्रवेशित गर्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की उत्पत्ति ये किस प्रकार से होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो कोशिका विभाजन की जो अंतिम अंत्यावस्था होती है उसमें गोलजिकाए, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व इनके वेसिकल्स द्वारा कोशिका पट का निर्माण होता है, फ्रेग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है।
तो इसमें देखो जब अंत्य अवस्था होती है कोशिका विभाजन की, उसमें गोल्जी का ही अंतर्द्रव्य जालिका और उनके जो वेसिकल्स होते हैं पुटक कोशिकाएं जो होती हैं ये कोशिका पट या फ्रेग्मोप्लास्ट का निर्माण कर लेती हैं। कोशिका पट मध्य पटलिका बनाती है, ये जो फ्रेग्मोप्लास्ट बनता है ये मिडल लेमिला का निर्माण करती है और मिडल लेमिला क्या करती है अंदर की ओर फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी कोशिका भित्ति, तर्शरी कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं देखो फ्रेग्मोप्लास्ट बनता है, फ्रेग्मोप्लास्ट से फिर सेल प्लेट का निर्माण होता है। यहाँ पर ये सेल प्लेट बन गई दो कोशिका के बीच में और फिर सेल प्लेट कंप्लीट बन गई और ये फिर अंदर की ओर क्या करती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोशिका भित्ति का निर्माण कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो ये तो हमने बात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती, वृद्धि किस प्रकार से होती है कोशिका भित्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पहला है कणाधान या इंटीसेप्शन या कणाधान के द्वारा और दूसरी विधि है स्त्राधान या एपोजिशन। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कणाधान, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्राथमिक भित्ति के बीच नए पदार्थों के जमाव से क्या होता है कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है। प्राथमिक भित्ति है उसके ऊपर क्या करते हैं अंदर की ओर नए पदार्थों का जब जमाव होता है तो उसे हम कणाधान विधि के द्वारा क्या करते हैं कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है। दूसरा होता है स्त्राधान, स्त्राधान मतलब स्त्र का निर्माण, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है प्राथमिक भित्ति पर पदार्थों के स्त्रों के रूप में जब जमाव होता है तब उसे स्त्राधान कहते हैं। तो स्त्राधान के माध्यम से कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कोशिका भित्ति की वृद्धि किस प्रकार से होती है स्त्राधान और कणाधान। अब हम बात करते हैं हमारा जो अंतिम कोशिका भित्ति का जो टॉपिक आता है वो है कार्य, कोशिका भित्ति कौन कौन से कार्य है वो करती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। पहला सबसे पहला कार्य निकल करके आता है कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। इसी कारण से क्या होता है उसका आकार इस प्रकार का होता है, पादप कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है कोशिका भित्ति। दूसरा कार्य ये है यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। तीसरा आता है प्राश्रणीय दाब का संतुलन बनाए रखती है, जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है पारगम्य होती है, सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है और इसी कारण से क्या करती है प्राश्रणीय जो दाब है उसका संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट कार्य आता है अंतराकोशिकीय पदार्थों का सेवन करती है, तो ये हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक तो एपोप्लाज्म और एक होता है सिम्प्लाज्म, ये दोनों ही पदार्थ ये दोनों ही टर्म क्या करती हैं इसमें दो अजैव पदार्थों के माध्यम से यानी कि कोशिका भित्ति के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं कोशिका के पदार्थ उनका आदान प्रदान होता है। और सिम्प्लाज्म में क्या होता है जो जीवद्रव्य तंतु होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से कोशिका पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो अंतराकोशिकीय पदार्थों का सेवन भी है वो इसके द्वारा किया जाता है। सुरक्षा प्रदान करना, तो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने कोशिका भित्ति का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, इतना शायद ही आपको कोई बताता होगा, मैंने आपको डिटेल से इसमें बताया है जिसमें एनसीईआरटी की बुक से जितना मैटर मिला था वो हमने लिया था और कुछ ऐसी बुकों से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने उठाए हैं। और विशेषकर आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर के माध्यम से जो आपका कोशिका भित्ति है इससे बाहर इस टॉपिक के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं मिलने वाला है। तो ये आपके 12th क्लास की जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि नोट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, कुछ आकर्षक चित्र भी मैं साथ में लेकर के आ रहा हूँ जिससे कि आपके टॉपिक अच्छे से एक बार में ही समझ में आ जाए। और ये आपके RPC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड नीट रीट मेन एग्जाम के लिए इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको और ही अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। बेल आइकन पर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।